त्योहारी सीजन पर दमकल विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। सुरक्षा एवं एहतियातन के मद्देनजर किसी भी तरह की अप्रिय घटना सुजानपुर शहर में ना हो, इसके लिए दमकल विभाग की गाड़ी मुख्य बाजार में आवाजाही करना शुरू कर दी है। प्रथम दिवाली के चलते दमकल विभाग की गाड़ी ने मुख्य बाजार सुजानपुर बस स्टैंड के साथ साथ अन्य चौक चौराहों पर पेट्रोलिंग करते हुए लोगों को, विशेष रूप से व्यापारी वर्ग को, अपनी दुकानदारी उतनी ही सजाने के निर्देश दिए, जिससे अव्यवस्था ना हो और किसी भी तरह की अभिघटना घटित होने पर दमकल विभाग और स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी मुख्य बाजार में आ सके। मुख्य बाजार में दमकल विभाग की गाड़ी जैसे ही पहुंचे तो व्यापारी वर्ग की दुकानदारी सीमा के भीतर न होकर कुछ अधिक बाजार में बढ़ गई थी, जिस पर विभाग की टीम ने व्यापारी वर्ग से आह्वान किया कि सामान उतना ही बाहर सजाएं जितना सुविधा स्वरूप मुख्य बाजार में विभाग की गाड़ी आवाजाही कर सके। दमकल चौकी इंचार्ज सुजानपुर ललित कुमार ने बताया कि त्योहारी सीजन के चलते दिन में 3 बार दमकल विभाग की गाड़ी मुख्य बाजार सुजानपुर शहर चौक चौराहों पर पेट्रोलिंग करेगी। चौकी इंचार्ज ने लोगों से व्यापारी वर्ग से आह्वान किया कि सामान दुकान के बाहर उतना ही सजाएं ताकि विभाग की गाड़ी मुख्य बाजार में आसानी से आवाजाही कर सके।